नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा या आ रहा होगा। होप अल्लाह ताला सब कुछ खैर करे, कोरोना वायरस खत्म हो जाए और यूनिवर्सिटीज हमारी खुल जाएं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक चल रहा है, अब उसमें हम थोड़ा सा जा रहे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म की तरफ। एटॉमिक मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटीरियल होता है, एक ऐसे मीडियम जो कि आप किसी भी अगर कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो उसकी उसके रखने से क्या होगा, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हाई हो जाएगी। कैपेसिटेंस तो हाई हो जाएगी लेकिन वहां पर हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, वो तीनों रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? इसलिए क्योंकि वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जो है पोलराइजेशन की वजह से वहां पर मजीद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिटवीन उस मीडियम के वहां पर डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस होगी। और जाहिर है जब फोर्स नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस सच एज वाटर डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है सच एज अगर कोई वाटर हो तो वो डिपेंड करेगा उस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स पे, यानी इलेक्ट्रिक जो डायपोल मूवमेंट्स हैं उनके अलाइनमेंट पे। ईच मॉलिक्यूल हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर मॉलिक्यूल के जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जिस तरह हर इंसान का अच्छा और बुरा साइड होता है, इसी तरीके से दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ना हो। हर चीज दुनिया में जो मौजूद है उसका अच्छा और बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों मौजूद हैं। इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जो मॉलिक्यूल होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद है, और वो किस तरह बिहेव करता है, लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें मॉलिक्यूल को तो इजीली ब्रेक हो जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ चार्जेस यानी एक एटम की या मॉलिक्यूल की, तो उसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में। लेकिन जब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बजाय हम अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं किसी भी मटेरियल की, तो वो मैग्नेटिव मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स पे तो वो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन वहां पर हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके जो मैग्नेटिक डायपोल है वो डिपेंड कर रहा होता है अपने इंडिविजुअल एटम्स पे। यानी इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स पे। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमारे पास बराबर क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू आई एन ए। एन आपके पास टर्म्स हैं, आई आपके पास करंट है और ए आपके पास क्या है असल में एरिया है। We can consider magnetic material to be composed of a collection of atomic dipoles. हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर कर लिया, वो किसका बना हुआ है, एटॉमिक डाइपोल्स के कलेक्शंस का बना हुआ है वो। Which might align with an external magnetic field. उसको अलाइन किससे किया गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके अगर उसको अलाइन किया गया है तो वहां पर जाहिर है अब वो मैग्नेट बन चुका है, वो मटेरियल जो है एक मैग्नेट बन चुका है। तो अब उसके पोल्स भी होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो उस मैग्नेट को, उसके मैग्नेट के पोल्स जो एटम्स हैं, अपार्ट द एटम वी कैन नॉट ब्रेक अपार्ट द एटम्स इनटू सेपरेट एंड एन एस मैग्नेटिक डाइपोल्स। यानी हम उसके नॉर्थ और एन उसके कोई अगर कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसके जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो अलाइनमेंट लाइन हो जाए, उनके अलाइनमेंट हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो है हम उसको उसके एन और एस यानी
नेगेटिव और पॉजिटिव में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. एन फॉर नॉर्थ पोल जो कि नेगेटिव होता है, एस फॉर साउथ पोल जो कि पॉजिटिव होता है, हम उसको एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल्स की बात कर रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में हम उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब बात करते हैं किसी मैग्नेट को, अगर किसी मटीरियल को आप अगर मैग्नेट बना दें, तो वो उसको जो है उसके नॉर्थ और साउथ पोल में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल उसमें इतने इस कदर अट्रैक्शन के दरमियान डेवलप्ड हो जाती है, टाइटली बाउंडेड होते हैं वहाँ पर एटम्स, कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिहेव करते हैं, तो वहां पर फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अब चलते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है ये पढ़ेंगे. वी कंसीडर अ सिंपल मॉडल ऑफ एन एटम. हमने क्या किया, एक एटम का मॉडल कंसीडर कर लिया जिसमें आपके पास क्या है कि एक एटम का न्यूक्लियस है, उसके गिर्द उसका ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. फिर उस न्यूक्लियस से लेके उस ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, वो आर है. और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट में, वो क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वी है. दिस सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट लूप. आप ये कंसिडर कर लें कि आपके पास न्यूक्लियस क्या है, वो सेंटर है, वो सर्कुलर जो आपके पास ऑर्बिट है, वो असल में क्या है, बिहेव करेगा एज अ लूप. उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेंटर से लेके उसका उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो वी है. तो फर्ज कर लीजिए वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो लूप बन गई. अब वो लूप जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, अब उस पर करंट गुजरना शुरू हो गया. तो होगा क्या कि इन विच द करंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द पीरियड टाइम फॉर वन ऑर्बिट. अगर मुझे किसी एक ऑर्बिट का क्या निकालना हो, द करंट को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को अगर डिवाइड कर दूँ अपने टाइम पीरियड से ही, तो मेरे पास उस एक ऑर्बिट का और उनमें कितना करंट गुजर रहा है वो मैं निकाल सकती हूँ. और मेरे पास जो टी है टाइम पीरियड, वो मेरे पास बराबर है 2πr/μ. म्यू आपके पास क्या है, असल में फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या मैं ये कह सकती हूँ वेलोसिटी का भी मैं नाम दे सकती हूँ उसको. क्योंकि वेलोसिटी मैं कैसे कहूँगी, क्योंकि v बराबर होता है आपके पास s अपॉन t. और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं टाइम को डिस्टेंस को बराबर डिवाइड कर दूंगी वेलोसिटी से. मेरे पास डिस्टेंस क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो पूरे सर्किट की मैं पूरे लूप की बात कर रही हूँ, तो उस पूरे लूप का सर्कमफेरेंस क्या होगा, वो उसकी लेंथ यानी डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, और उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है. मैं दोनों को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास टाइम निकल आएगा, और ई क्या है, मेरे पास चार्ज है. मैंने इसको जो है उल्टा कर दिया है, मोर प्रिसाइज करके इसको ले दिया है, क्योंकि ई मेरे पास अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो उसको भी मजीद मैं सेट कर सकती हूँ अगर मुझे निकालना हो. आई मेरे पास आ रहा है ई अपॉन टी, ये बराबर है टी अपॉन 2πr अपॉन म्यू. क्वेश्चन वन, द मैग्नेटिक डायपोल, अगर मुझे मैं किसी सिंगल लूप का अगर मैग्नेटिक डायपोल मैं निकाल ली होती हूँ, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल्स टू आई ए म्यूजिक. अब मैंने टर्न्स की बात नहीं की, मैंने एन को हटा दिया, मैंने सिर्फ एक सिंगल लूप लिया है. तो अगर सिंगल लूप लूंगी तो उसमें एन को मैं क्या पुट करूंगी, वन पुट करूंगी. वो वन क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर मैं यहाँ एन लिख दू कैपिटल एन, तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगी, वन. यहाँ मैंने एन क्यों लिखा, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही हूँ मैं क्या ले रही हूँ, सिंगल लूप. तो मेरे पास उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उस वक्त मेरे पास एन क्या होगा, सिंगल लूप का मतलब है मेरे पास एन क्या है, टर्न क्या है, वन. I क्या है, करंट, करंट की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आ गई ई वी अपॉन 2πr. इसको मैं मजीद उलट दूंगी तो ये यहाँ ये आ जाएगा. फिर क्या हुआ, आपके पास सर्कुलर आपने जो है ऑर्बिट यानी लूप लिया है, तो उसका एरिया जो होगा किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है. तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, पाई आर, एक आर और पाई आर जो है आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ई आर वी अपॉन टू. यहाँ पर हमारे पास ई आएगा स्मॉल ई,
क्योंकि वरना ही हमारे पास जो है फिर पलटेगा नहीं, जब पलटेगा तो वी ऊपर चला जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। एन की, एन जो है हमारे पास सिंगल लूप के हिसाब से एन वन है, वो हमने पुट कर दिया। करंट की वैल्यू ई अपॉन टू पाई आर अपॉन वी थी, ई वी पलटेगा तो वी ऊपर जाएगा, ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला बच जाएगा जो कि मैंने आपसे सिंगल लूप की बात की है। और लूप क्या होता है, सर्किट की फॉर्म में होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने पुट किया आफ्टर कंसिलेशन, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, मेरे पास ये बच गया ई आर वी अपॉन टू द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर एटम्स। अगर मैं बात कर रही हूँ एटम्स के डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, तो क्या कहलाएंगे उसको, हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो हमारे पास होता है एटम्स के हों तो वो कहलाते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स। क्यों मैंने ऑर्बिटल बात की, क्योंकि मैं वहाँ पर बात करती हूँ एटम्स की, मैं बात करती हूँ तो न्यूक्लियस फिगर्स एक इमेजिनरी, मैंने एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया। वो लूप क्या होता है, असल में वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने उठाया और मैं जब ये बात कर रही हूँ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल, तो मैं उसको म्यू एल से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ई आर वी अपॉन टू, मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। ये मेरे पास असल में क्या, ई आर वी अपॉन टू म्यू, और बराबर है ये किसके, एंगुलर मोमेंटम के, यानी इसका मतलब है ये मेरे पास मजीद बराबर हो सकती है म्यू इंटू एल के, यानी म्यू मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू एंगुलर मोमेंटम। ई आर वी अपॉन टू मेरे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आई है, जो कि मैंने सॉल्व की है किसके लिए, फॉर अ सिंगल लूप, क्योंकि हमने सिंगल लूप से, और एंगुलर मोमेंटम क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो हम लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात हो जाती है। एम वी आर वी से भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, आर भी कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, या मैं अगर कैंसिल नहीं करती फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास क्या है, ई का ई आ गया, और नीचे आपके पास यानी मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड भी कर दूँ एम वी आर, मेरे पास वैसे तो ये जो है मेरे पास सॉल्व आउट होके ये जो इक्वेशन है मेरे पास बन गई है, अगर मैं फर्स्ट करें मैं ये यहाँ से जो एम वी आर लिखा है मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ पर हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, ये चीज थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ m है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में m से डिवाइड करवा दूँ तो क्या होगा, ये e अपॉन टू m ऐसे आ जाएगा, और ये चीज़ किस तरह से, क्या कि मेरे पास वैल्यू क्या थी, मेरे पास असल में ये चीज़ ऐसे थी, e r v, ये करके बताती हूँ हम लोगों को कि ये चीज़ क्या, जाहिर है मैंने वो लिखा है तो वो चीज आई कैसे है मुझे वो भी बताना पड़ेगा। ई आर वी ये था और साथ में हमारे पास था ये, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ भी नहीं था। अब मैं इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कह रही हूँ और मैं यहाँ पर जो है एल बी यूज कर रही हूँ, तो ये कैसे हो रहा है, सोचने वाली बात है। क्या किया मैंने इसको, मैंने इसको अगले स्टेप में वी आर को अलग किया और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया किससे, मास से। एम क्या है आपके पास, मास है वहाँ पर उस एटम का, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगी तो जाहिर है एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी आर को मैंने एक जगह कर दिया, एक एम यहाँ डिवीजन में है, ये चीज़ एज इट इज आ गई, और एम वी आर ये मेरे पास बनता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीज़ को दिखाने का मतलब था कि आपके पास ये दो एम मौजूद होगी कि कटने के बाद, यानी आपके पास अगर सिंपल जो है मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंटम है वो ये होता है, लेकिन अगर फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ एम से, तो मेरे पास की फॉर्म ऑफ आ जाएगा किसकी फॉर्म में, ये किस फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास,
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, जिसमें यहाँ पर मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो ये मैं किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट बन जाएगा. अब मेरे पास ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था जो क्या था, ई आर वी अपॉन टू. अब मैं जाने अब मैं डेवलप करने जा रही हूँ ऑर्बिटल में जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो मैंने इस जो सिंपल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उसको मैंने ऑर्बिटल में यानी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया एम से. एम क्या असल में उस एटम का मास है. जब मैं मैथमेटिक्स का रूल है कि जब कोई चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको उसको डिवाइड भी करवाना पड़ता है. डिवाइड करवाया है तो ये वी आर एम से मल्टीप्लाई हुआ जो कि मुझे याद आ रहा है क्या बनता है, क्या बनता है, सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम. हम यहाँ कर दिया एल और ये एम जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर ली है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. तो ये आपके पास आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ये हमने अलाइनमेंट दिखाई है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल की. ये देखिए आप नॉर्थ और साउथ पोल, ये किस तरीके से यहाँ पर लूप बना हुआ है और लूप की जो है आपने इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई है, इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई है और ये क्या डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल, ये डायरेक्शन दिखा रहा है असल में वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो देखिए आप करंट में जो सर्कल आपके पास जो लूप है उसमें मौजूद करंट की डायरेक्शन इसके हिसाब से और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो वही बात आ जाती है कि आपके पास जो है जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड क्यों हमारे पास जो है वो डिसेलरेट या एक्सेलरेट नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि आपके पास वहाँ पर वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड जो है चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो इस वजह से आपके पास क्यों उसकी वो परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन की, जबकि हम ये बात जानते हैं कि मोशन जो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में जब हम लीनियर मोशन से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी की बात हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उन सबकी डायरेक्शन सेम होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर होती है, जबकि आपके पास जो स्पीड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है, यानी परपेंडिकुलर हो जाती है उन दोनों सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल फोर्स के. तो इसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वो जो है एक्सेलरेट और डिसेलरेट नहीं होती है क्योंकि वहां पर वेलोसिटी की सब डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है और सर्कुलर मोशन ही ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता है. फिगर फिगर 34 हमारे पास असल में एम क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का और क्वांटिटी एम वी आर क्या है, असल में एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द. इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बोहर का जो हमारे पास एक पॉइंट था कि अगर एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, एच अपॉन टू पाए, एच कट अपॉन टू पाए, वेयर आर एच के आपके पास प्लैंक कॉन्स्टेंट है, इसका जो वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल डॉट सेकेंड, आई थिंक यही होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, या वेव फ्लूइड वेव एनर्जी से रिलेट करता है क्योंकि हमारे पास हम दो चीज़ों को मिला देते हैं, बोहर जो है वो डील कर रहा होता है, कोई भी एटम्स होता है वो वेव पार्टिकल जो है लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो एज अ वेव वी नेचर भी होते हैं. वी ऑब्टेन अ बेसिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन. तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए एक बेसिक यूनिट का इंतखाब करते हैं जो कि क्या कहलाता है, बोहर मैग्नेट्रॉन, म्यू बी. म्यू बी क्या है असल में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर है ई अपॉन टू पाई इंटू एच अपॉन टू पाई. ई अपॉन टू एम तो आपके पास पहले से है, एच अपॉन टू पाई हमने किसके लिए लिखा है, एंगुलर मोमेंटम के लिए तरफ लिखा है. जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये बन गया ई एच अपॉन फोर पाई एम. ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, एच की वैल्यू भी हमें पता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी पता है, ई का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज है इसके चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, एम का मास भी हमें पता है वो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी फॉर अ सिंगल लूप 9.27 × 10⁻²⁴ जूल पर सेकेंड. जब हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट की और वो लूप या फिर उस ऑर्बिट को हम डील कर लें एज अ सिंगल लूप तो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी और उसका यूनिट होगा जूल पर टेस्ला.
और अगर हम उसको जी जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? हम उसको मैग्नेटाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या और डायलैक्ट्रिक को। डायलैक्ट्रिक फील्ड या डायलैक्ट्रिक, किसी भी डायलैक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहूँ तो वो बराबर होते ही है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के ई। ई असल में क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायलेक्ट्रिक की जो आपने उस कैपेसिटर के दरम्यान क्या किया, इंसर्ट किया है। और ई नॉट वो फील्ड है जो कि वैक्यूम की है, यानी बिफोर डायलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो आपके पास ई नॉट होगी। और डायपोल जो है आपने, सॉरी, जो आपने डायलेक्ट्रिक रखा है, डायलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये होगी आप। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी डायपोल की ई नॉट डिवाइडेड बाय के ई। के ई क्या है? असल में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का। अ मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक मीडियम कंपोज्ड ऑफ एटम्स हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। कोई भी मैग्नेटिक मीडियम होता है, एक तो डायलेक्ट्रिक मीडियम की बात करती हूँ तो जाहिर है वो डायलेक्ट्रिक है, उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। तो एक मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है और उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बात कर रहे हैं एक नेट डायपोल मोमेंट की, आप एक सिर्फ नेट डायपोल मोमेंट की बात करें। नेट डायपोल जब हम भी हम नेट डायपोल मोमेंट की या नेट फील्ड की, नेट फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो नेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बाकी तमाम चीज़ों का, जितने भी अदर फोर्सेस, वहाँ पर बहुत सारी फोर्सेज, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों का क्या कर लें, हम सम कर लें। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं लेट अस कम्यूट द नेट डायपोल, नेट डायपोल तो आपके पास ये क्या आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू समेशन म्यू एन। म्यू एन यानी नंबर ऑफ, म्यू एन हमें क्या बता रहा है, यानी नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, यानी उन तमाम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का जो एटम्स के होंगे उन सबका सम कर लें तो आपके पास एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। द मैग्नेटाइजेशन, अब मैग्नेटाइजेशन क्या होते हैं, या मैं कहूँ किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना हो तो उसके तीन तरीके हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मैग्नेट जो है, क्या आप उसको मैग्नेट, कोई भी मटेरियल जो आपने लिया है आप उसको क्या उसके अंदर सलाहियत है कि वो, अगर मैं उसको मैग्नेटाइज करना चाहूँ तो क्या वो मैग्नेट बन सकता है, क्या वो मैग्नेटाइज हो सकता है? तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी मेटल ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत आयरन मौजूद हो। अगर वो आयरन मौजूद होगा तो वो आसानी से मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर आयरन मौजूद नहीं है तो वो बहुत वीक होगा। और मैग्नेटिक मैग्नेट एज अ मैग्नेट एज अ उसमें जो है एज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही कम पाई जाएंगी, यानी वो मैग्नेट वीक मैग्नेट होगा। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मैं चेक करूँगी कि जैसे कि मैंने आपसे बात की कि हमारे पास एटम्स जो होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अगर उनकी अलाइनमेंट को मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगी? जैसे मैंने आपसे बात की कि मेरे पास कोई भी मैग्नेट है, मैंने क्या किया, अब मैंने कोई भी मैटर लिया, अब मैंने किसी भी, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो मैंने कोई एक मैटर ले लिया, उसके करीब मैं मैग्नेट को ले गई, ठीक है, मैग्नेट। अब मैंने क्या लिया, मैंने एक मेटल लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मेटल लिया। अब मुझे चेक करना है कि उसके अंदर आयरन मौजूद है कि नहीं। अगर मैं मैग्नेट को करीब ले गई और वो अट्रैक्ट हुआ, उसके मतलब है उसके अंदर आयरन मौजूद है, और अगर वो रिपेल हुआ तो उसका मतलब उसके अंदर आयरन मौजूद नहीं। फिर मैं उसको रबिंग करूंगी। अच्छा, अब रबिंग करने से पहले मैंने आपसे क्या कहा कि पहले उसमें हमने चेक किया कि उसमें आयरन मौजूद है कि नहीं। आयरन मौजूद है तो उसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को बन सकता है। फिर मैंने क्या किया, मैं मैग्नेट को जब उसके करीब ले गई, अगर मैग्नेट को जब उसके करीब लग गई, अगर वो पार्ट मेटल का उससे अट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब है कि वो ऑपोजिट क्या है, वो ऑपोजिट पोल्स हैं। यानी जो मैंने अगर नॉर्थ पोल को उसके करीब ले गई हूँ और अगर वो मैग्नेट का ऐसा पार्ट है, वो मेरे पास मैटर का ऐसा पार्ट है जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल हमारे पास नेगेटिव होता है और साउथ पोल हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या हो गया कि मैं सही जगह पे हूँ। फिर मैं उसको रबिंग करना शुरू करूँगी, रब करूँगी रब करूँगी, और 10 टाइम्स मैं उसको रब करूँगी। 10 टाइम्स रब करने के बाद वो एक बार मैग्नेट बन जाएगा। एक मैटर को मैग्नेटाइज करने का तरीका क्या है? अच्छा, मैग्नेटाइजेशन को किसी भी मैग्नेटाइजेशन की नहीं है, अगर मुझे मीडियम किसी मैग्नी मीडियम की मुझे मैग्नेटाइजेशन फाइंड करनी है, वो क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन असल में उसका जो सिंबल है वो कैपिटल एम है, और वो बराबर होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन कैसा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी नेट डायपोल नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। जाहिर है मैंने एक सब्सटेंस किया, अब उस पर जो है बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे, तो मैं उन सबका सम कर लूंगी तो मेरे पास एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और मैं अगर उस वॉल्यूम का मैं क्या करूँ, उस मैग्नेटिक डायपोल नेट मैग्नेटिक डायपोल को उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, फिर मैंने एक सरफेस का लिया है तो वो कहलाएगी उसकी मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं क्या कर रही हूँ, मैग्नेटिक डायपोल को अगर नेट मैग्नेटिक डायपोल को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी मैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जगह मैं ये फॉर्म भी यूज कर सकती हूँ, समेशन म्यू एन डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, वी। बस फॉर्मी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन जो है कंसीडर करते हैं हम इसको एज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जाहिर है इसे हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, और ये इक्वेशन जो है हमें बता रही है इस पे शुड बी रिटन एज द लिमिट एज द वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। जब हम इस पे कुछ खास किस्म की लिमिट सप्लाई करते हैं, तो हमने समेशन लिखा है, समेशन पे अगर हम कोई लिमिट सप्लाई कर दें तो वो क्या करेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि वो मटेरियल क्या है, उस मटेरियल में जो की जो मैग्नेटाइजेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी उसकी उस मटे वो जो मटेरियल है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। सपोज आपने एक मटेरियल ले लिया और उसमें आपने जो है ना इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर आपने क्या किया, उसकी उस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वो क्या थी, वो यूनिफॉर्म थी। दिस अप्लाइड फील्ड मैग्नेटाइजेस द मटेरियल एंड एन एंटर डायपोल। अब उसने क्या किया, आप जो है उस फील्ड ने क्या किया, आपने एक मटेरियल पे जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी आपने एक मेटल ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया, और आपने एक मेटल ले लिया उस मेटल के करीब, यानी उस मटेरियल के करीब आप उस बार मैग्नेट को ले गए। अब उस बार मैग्नेट तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना शुरू किया। अब उसकी मैग्नेटाइजेशन से क्या होंगे, उसमें मौजूद इलेक्ट्रो वहाँ पे मौजूद जो डायपोल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल्स, वो क्या होंगे, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो मटीरियल तो खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो उसकी खुद की अपनी होगी, एक बार मैग्नेट की होगी और एक आपके उस मटेरियल की होगी जिसको आपने मैग्नेटाइज किया है। तो उसका मतलब है हमारे पास अब दो मटेरियल्स हैं, अब दो चीजें, एक बार मैग्नेट है और मेरे पास क्या है, एक वो मटेरियल है जिसको मैंने मैग्नेटाइज किया है। तो उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का सम मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड असल में मेरे पास क्या होगा, इज द सम ऑफ द अप्लाइड फील्ड, यानी वो फील्ड, वो बार मैग्नेटिक जिसकी फील्ड को मैंने अप्लाई करके एक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है, उसके क्या हो गए, उसके जो डायपोल्स थे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल्स, यानी उसके अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स, वो क्या हो गए, अलाइन हो गए। जब अलाइन हुए तो वहाँ पर उसकी अपनी क्या हो गई, उस अलाइनमेंट ने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करके उस मटीरियल के खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो हमारे पास उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड का सम बराबर होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। द मैग्नेटाइजेशन फील्ड, जो मैग्नेटाइजेशन होगी बी एम की, इज रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजेशन व्हिच इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द डाइपोल्स ऑफ द मटेरियल। यानी यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन फील्ड बी एम
जो आपके पास ये BM यानी वो मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिलेट करेगी किसकी मैग्नेटाइजेशन से, उस बार मैग्नेट की मैग्नेटाइजेशन से। तो मैं यहाँ पर जो है जो ये मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, वरना स्टूडेंट्स जो है बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे असल में ये क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मटेरियल है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजेशन असल में रिलेट कर रही होगी उस बार मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजेशन से। क्यों? क्योंकि हमने जो है उस बार मैग्नेट के थ्रू उस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया। ठीक है, विच इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द डायपोल्स ऑफ द मटीरियल। जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, उस मटेरियल्स के डायपोल्स कैसे हैं उसका पता कर सकते हैं। इन वीक फील्ड्स, अगर फील्ड वीक हो तो आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड के। ठीक है, इसका मतलब है मैग्नेटाइजेशन, वो बार मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा उसकी मैग्नेटाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी, और अगर मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग है तो इसका मतलब है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होगी। ये देखिए, ये डायग्राम, हमने एक सोलेनॉइड ले लिया है। सोलेनॉइड ये आपके पास लूप्स हैं, ये जो है आपके पास शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, और ये शो कर रहा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये आपने एक सोलेनॉइड ले लिया, और उस सोलेनॉइड को क्या किया, यानी आपने पास एक ऐसा मटेरियल, ये सोलेनॉइड जो है एक्ट करेगा लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, एक मटेरियल पे वाउंड कर दिया, टाइटली वाउंड कर दिया। अब उसकी वाउंडिंग से जब आपने उसको पोटेंशियल दिया, करंट अप्लाई किया, तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन तो ये है। अच्छा, उस ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैंने आपसे कहा, ये जो कॉयल है, ये जो कॉयल है सोलेनॉइड, इसकी अपनी मैग्नेटिक बी नॉट है, और ये जो सब्सटेंस है मटेरियल ही है, आपने इस पे ये जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए इस मटेरियल को, उस पर इसकी वाउंडिंग कर दी, तो करंट अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी मटेरियल, इसकी अपनी एक जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम कहेंगे बी, यानी असल में ये BM है। ठीक है, और ये बी जो है शो कर रहा है आपके पास, BM हमें पता नहीं चलेगा हम इसकी बात करें तो। आपके पास असल में बी क्या है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, जो कि सम होगी अप्लाइड फील्ड का यानी बार मैग्नेट की फील्ड के, और उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये बताने का हर तरीका का यानी, और मैंने ये बात कही कि आपसे जो मैग्नेटाइजेशन जो होती है किसी भी मटेरियल की, वो डिपेंड कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर फील्ड वीक होगी तो आपके पास इसका मतलब है उस सब्सटेंस का वो वीक मैग्नेट है, और उसकी मैग्नेटाइजेशन भी वीक है। इन दिस फिगर में हमने अब जो अप्लाइड फील्ड ली है वो थ्रू आउट द आप इस पूरे सरफेस पे, इंटीरियर सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्म है। बोथ एम नॉट एंड एम आर पैरेलल टू द टू टू और पैरल टू द एंड इट पैरल टू द एक्सिस। ये आपके पास एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के क्या है, आपके पास जो फील्ड है और जो मैग्नेटाइजेशन है एम, वो दोनों क्या होंगे, फील्ड के आपके पास जो एक्सिस है उसके पैरल होगी आपकी अप्लाइड फील्ड और मैग्नेटाइजेशन, यानी आपने जो बार मैग्नेट लिया है उसकी मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन जो कि वेक्टर है, और उसकी जो फील्ड है अप्लाइड फील्ड, जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल पे, उन दोनों की डायरेक्शन आपस में पैरल होगी, किसके पैरल होगी, एक्सिस के। एंड इट कैन बी शोन, और उसको किस तरीके से दिखाया है कि आपके पास जो सोलेनॉइड आपने सब्सटेंस लिया था मटेरियल, उसके ऊपर आपने वाइंडिंग की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो उस नेगेटिव उस मटेरियल की जो अपनी मैग्नेटाइजेशन और उसका जो अपना क्या होगा, उसका अपना उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो किस तरीके से निकाली आपने, मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे निकाला है, उस मटेरियल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है एम से। एम क्या आपके पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से देयरफोर नेट फील्ड आपके पास क्या बन जाएगी, नेट फील्ड आपके पास बी है। बी नॉट क्या है, असल में आपके पास बार मैग्नेट की वो फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, और ये फील्ड किसकी है, ये उस मटेरियल की फील्ड है जो कि मैग्नेटाइज हो चुका है। यू नॉट आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। वीक फील्ड हो तो मैग्नेटिक एम जो है इंक्रीज हो जाता है,
विद द अप्लाइड फील्ड. मैंने आपसे बात की ना कि एम जो है आपके पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अप्लाइड फील्ड पर. अगर फील्ड वीक होगी तो आपके पास जो है मैग्नेटाइजेशन उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी अप्लाइड फील्ड की वजह से. सो बी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू बी नॉट. तो इसका मतलब है नेट फील्ड जो है वो असल में वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी किसके, अप्लाइड फील्ड के. यानी आपने जो मैग्नेट बार मैग्नेट लिया है उससे रिलेट करेगी. तो हम उसको मजीद कुछ कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक वहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा था. तो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है रिड्यूस हो गई थी. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस हुई थी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी. तो हमने जो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा था विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब, उसकी वहाँ पर कैपेसिटर्स की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि ई थी, यानी ई नॉट थी. और जब हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया था तो उसके भी वहाँ पर भी एक फील्ड डेवलप हुई जो कि सिम्बल्स, वहाँ पर हमारे पास एक फील्ड डेवलप हुई जो कि आपके पास क्या थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी. अब जब हम बात कर रहे हैं एक मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज किया है, तो एक मटेरियल को जो मैग्नेटाइज किया है वो एक बार मैग्नेटाइज किया है. यानी जो मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, उसकी अपनी एक फील्ड है जो कि बी नॉट है. और उस बी और उस बार मैग्नेट के थ्रू आपने क्या किया, उस जो मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है उसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई. तो अब उस नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी के एम अपॉन मी नॉट. के एम क्या है असल में, आपके पास परमीएबिलिटी ऑफ द मटीरियल. यानी जिस तरीके से आपके पास उस मटीरियल का जो आपने डायलेक्ट्रिक मटीरियल यूज़ किया है, इंसुलेटिंग मटीरियल यूज़ किया है, उसका अपना एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसी तरीके से जो मटीरियल आपने लिया है जिसको आपने मैग्नेटाइज किया है उसका उसकी भी अपनी एक परमीएबिलिटी होती है जो कि के एम कहलाती है. और वो रिलेटिव होती है वैक्यूम से. अगर आप उसको वैक्यूम ले रहे हैं, एज अ वैक्यूम ले रहे हैं, अगर किसी वैक्यूम को आप प्रोजर माइनस कर रहे हैं तो वो के एम किसके बराबर होगा, वन के. इसी तरीके से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी हमारे पास जो है के जो है वो वन के बराबर होता है. इक्वेशन फन इंक्रीजिंग लीनियरली एज द टाइट फील्ड इंक्रीजेस. यानी ये हमें क्या बता रही है, अगर ये हमारे पास ये अप्लाइड फील्ड जो हमने बार मैग्नेट किया है अगर वो इंक्रीज कर जाए तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी. मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी. मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी. ठीक है, के एम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके किस पे, आपके अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड कर रहा है. अच्छा, जितनी अच्छी फील्ड आप अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा उसका आपके पास उस मटेरियल की परमीएबिलिटी होगी. कंबाइन बोथ इक्वेशन, हमने इक्वेशन जो है इक्वेशंस को कंबाइन किया है. कौन सी इक्वेशन को हमने कंबाइन किया है, हमने असल में कंबाइन किया है अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को और नीचे वाली इक्वेशन को. सॉरी, मैंने एक प्रॉब्लम कर दी है. आपके पास जो है वो इक्वेशन 3 हो गई, आपके पास ये इक्वेशन 4 हो गई, फिर आपके पास एक आई, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 5. तो यहाँ आएगा इक्वेशन नंबर 4 and this is equation number 5. So we can write. तो हम क्या करेंगे, जब दोनों equation को, इस equation को और ये वाली equation को जो हमारे पास total आई है, इन दोनों को अगर हम जब combine यानी compare कर देंगे तो उसकी left hand side जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, वो replace हो जाएगी. हम यहाँ पर कर रहे हैं compare. जब बोथ इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उसकी कैंसिल हो जाएगी और सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस हालत में आ जाएगी. ठीक है, वी नॉट एम इंटू के एम माइनस वन नॉट. बी नॉट आप देखिए यहाँ पर भी है और ऊपर भी मौजूद है. तो हमने बी नॉट कॉमन लिया है, हमने जो है बी नॉट कॉमन लिया है, हमने जो है इसको यहाँ ले जाके पुट किया. बी नॉट यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा. जब माइनस होगा ये दोनों तो
के बी नॉट कॉन्स्टेंट जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा के एम माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक ये चीज आपके पास क्या हो गई, खत्म हो गई। बस ये टॉपिक हमारा जो है यहीं खत्म होता है। ये हमारे पास असल में क्या है, ये कहलाती है मैग्नेटाइज इंड्यूस बाय द अप्लाइड फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटाइजेशन आ रही है इंड्यूस बाय द अप्लाइड फील्ड, यानी इंड्यूस हो चुकी है अप्लाइड फील्ड की वजह से। क्योंकि मैंने आपसे क्या बात की कि आपके पास जो है अप्लाइड फील्ड के इंक्रीज होने से आपके पास मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं एक, जब हम हमें किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी होती है, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। बिफोर डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट, और जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमें एक नेगेटिव फील्ड मिलती है, वो होती है ई। तो ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव फील्ड बराबर होती है अगर मैं ई नॉट को, जो कि वो फील्ड है वैक्यूम की, उसको डिवाइड कर दूँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो वो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से जब मैं किसी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करती हूँ, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करती हूँ, तो क्या होता है, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का हमारे पास तो क्या होता है कि पहले तो जो मैंने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, किस तरह से मैंने वहाँ पर एक बार मैग्नेट ले गई, उस बार मैग्नेट ने क्या किया, मैंने उसको रब करना शुरू किया। अब उसकी रबिंग से होगा क्या कि आपके पास मैंने रबिंग की, यानी मैंने उसके ऊपर उस बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो क्या होगा कि जो उस मटेरियल में मौजूद जो डाइपोल मूवमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। उनकी अलाइनमेंट से क्या होगा कि उसकी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी खुद की उसकी अपनी मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगी। और क्या होगा कि मैग्नेटाइज हुआ तो उस मटेरियल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल की होगी, और फिर उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड फील्ड मेरी है, उन दोनों का सम मेरे पास बराबर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं निकालना चाह रही हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास यही। अब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक और तरीके से निकलती है। अब जो मैंने मटेरियल मैग्नेटाइज किया है, उसकी जो है एक परमेबिलिटी है जिसको मैं कहती हूँ के एम, ये होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, जो कि अगर वैक्यूम की लूँ तो वो बराबर होती है 1 के। अच्छा, मैं यहाँ से भी क्या कर सकती हूँ, इस मटेरियल की नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने जब डायलेक्ट्रिक की बात की थी तो वहां पर निकाली थी कि ई बराबर होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से मेरे पास इसकी भी निकाल सकती हूँ कि मैं क्या करूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। फिर मैंने आपसे कहा कि मैग्नेट अप्लाई, जो तमाम चीजें हैं वो डिपेंड कर रही हैं किस पे, हमारे अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड कर रही है, यानी बी नॉट पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी वीक कोई फील्ड, अगर कोई कोई वीक फील्ड है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, वो भी इंक्रीज होगी। उसका मतलब है कि जो आपके पास अगर अप्लाइड फील्ड अगर ज़्यादा है, अच्छी है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब है उसकी मैग्नेटाइजेशन का पे भी असर पड़ेगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिपेंड कर रही है मेरे पास अपनी अप्लाइड फील्ड पर। और जो परमिएबिलिटी होती है मटीरियल की, वो भी डिपेंड कर रही होती है किस पे, अप्लाइड फील्ड पर। तो मेरा ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं, ये चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इसके इफेक्ट को स्टडी किया, ये हमारे ख़त्म होता है। अब हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, अपना न्यू सेशन स्टार्ट करें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।